प्रेस्टीजियस ट्रॉफी। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये पहला अवार्ड है जो मुझे IB71 के लिए मिल रहा है एज एन एक्टर। तो IB71 हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। विद्या जामवाल के लिए खैर तो बहुत ही स्पेशल फिल्म है क्योंकि उसने अपना प्रोडक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म्स इस फिल्म के ज़रिए शुरू किया है। तो ये बहुत ही अच्छी मुहूर्त है और मैं चाहती हूँ एक्शन हीरो फिल्म्स आगे जाके बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूस करें। तो दिस अवार्ड इज़ फॉर विद्या जामवाल एंड फॉर एक्शन हीरो फिल्म्स एंड फॉर ऑल आवर मेम्बर्स जो 30 एजेंट्स थे जो इस फिल्म में थे। I feel very privileged. I think any award you get, it shows that, you know, the people are appreciating your work, they're loving your work, and I think that love and appreciation is what actors look for, and that's what they want. So I'm very happy. Thank you so much to all the committee who have given me this award. And abhi aage kya award keeping you excited? देखो अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली हैं एंड आई थिंक कहीं ना कहीं तो आप मुझे देख ही पाओगे उन फिल्मों में। तो लेट्स सी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आप अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हाउ हैप्पी ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड आर यू फीलिंग होल्डिंग दिस लाइफटाइम फाइव के अवार्ड? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट दिस इज़ द वन पुश कि मुझे जो अपनी लाइफ में चाहिए रहता है। तो हम जहाँ से हम जो लोग हैं हम हमेशा अपनी मेहनत और अपनी डेस्टिनी बदलने के होर में रहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड और मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ कि भगवान ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया क्योंकि जब हम बॉम्बे आए थे तो शायद इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जितना आज तक मिला है उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार और धन्यवाद और भगवान जी को भी। तो थैंक यू। देर इज समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग दो मैं अभी नहीं बोल सकती बट ऑनेस्टली आप सबको पता है कि मैं कभी भी झूठ कभी नहीं बोलती फॉर श्योर बट देर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम होपिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि बड़े पर्दे पर आप लोग मुझे देखें। और उसके साथ साथ मैं अपनी मास्टर्स भी कर रही हूँ तो मान्या सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं है उसका, वो अपनी एकेडमिक को भी आगे बढ़ा रही है। तो आई होप आप सबको मैं फ्यूचर में प्राउड हमेशा कराती रहूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दिस इज माई फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड एवर। हाईली ऑब्लाइज्ड, ऑनर्ड, हैप्पी। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस अवार्ड को मिलने के लिए। मुझे मिला है सिंगिंग एंड एक्टिंग दोनों ही कैटेगरी में। सो मेरे अब तक 15 म्यूजिक एल्बम्स आए हैं विच अबाउट टू रीच लाइक 500 मिलियन। सो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ म्यूजिक और एक्टिंग के जगत में भी मिला है। सो आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड और ख़ास तौर से उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी सो फार एंड स्पेशल थैंक्स टू माई मॉम शी इज़ बीन अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट फॉर मी थ्रू आउट। सो थैंक्स टू हर। So, in the next 10 days, there's a new song of mine which is about to release, which is with the singer Jassi Jasveer ji. And song ka naam hai Jatt Sina Tan Bola Da. The song is a Punjabi feel song, dancing number hai. Aap sabko maza aayega, hamare sath dance karega us song pe once it's released. Mika Singh ji ke channel pe release ho raha hai Music and Sound. So, stay tuned and watch the song. Wish you all the best. Thank you so much, guys. Thank you. मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इसको ट्रॉफी को लेके और मैं चाहती हूँ मैं ऐसा काम करती रहूँ कि मुझे और ट्रॉफियाँ मिलती जाएं और बड़ी बड़ी ऐसे मौके मुझे मिलते रहें, अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती रहें कि मैं और ऐसे हर साल आऊँ इनका अवार्ड लेने। देखो ये एक फिल्म आई है अहिंसा, उसको लेके ही मुझे ट्रॉफी मिली है और ये ट्रॉफी लेना आसान काम नहीं होता, इसके लिए पहले हमें काम करना पड़ता है, अचीवमेंट्स अचीव करनी पड़ती है, उसके बाद हमें अवार्ड्स फंक्शन पर बुलाया जाता है और मैं चाहूँगी मुझे हर साल बुलाया जाए। डेडिकेट किसको करोगे ये अवार्ड? ये डेडिकेट करूँगी मैं अपने डायरेक्टर को जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए कास्ट किया था, उनको मैं सच में थैंक्स बोलती हूँ कि वो उनका एक मुझे कॉल आना एक लाइक मेरे लिए एक एंजल वाला काम था, कॉल आना और बुलाना और कास्ट कर लेना और बस सडन चीज़ें हो गई थी। चलो
और आज ऑल द बेस्ट और इसी तरह ट्रॉफी लेते रहिए और अच्छा काम करते रहिए. थैंक यू. क्या कहना चाहोगे दादा साहब पाके इतना प्रेस्टीज अवार्ड है, ये अवार्ड आपके नाम है, कैटेगरी क्या है, थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे. ये मोस्ट प्रेशियस अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड. ये अवार्ड मिलना नेक्स्ट ऑफ इमेजिनेशन आई थी. तो यहाँ के सारे जूरीज को हम थैंक यू देते हैं, प्लस अभिषेक जी, जितने लोग ने हमको इसके काबिल समझे अवार्ड के, सबको हम थैंक यू देते हैं. थैंक यू एवरीवन. एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ दर्शकों को बता सके आप, क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं? Ivera Films Production, it is our newly we launched this company. It is I think 8-9 months old. हम काफ़ी सारे मूवीज भोजपुरी में साइन किया है, काफ़ी सारे हिंदी सॉन्ग्स भी हमने सॉन्ग्स ऑडियो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक पे है, उसका वीडियोस हम इस साल में करने की प्लान कर रहे हैं. और आप लोग की ब्लेसिंग तो सही है, आप लोग की ब्लेसिंग के अलावा तो आगे बढ़ना मुश्किल है. तो ब्लेस अस एवरीवन, थैंक यू. सर जन्मदिन के अवसर पे, आपके जन्मदिन के अवसर पर मराठी फिल्म का आपने घोषणा किया था कि यस यस, क्या कुछ स्टेटस है कुछ बताएंगे? मराठी हमारे काफ़ी सारा प्रोजेक्ट चल रहा है. एक अरुण गावड़ी का एक दगड़ी सॉल 3, इसका फ्रेंचाइजीज हमने बातचीत डिस्कस ऑलरेडी हो गया है ऑलरेडी. तो टिल अगस्त सेप्टेम्बर हमारी शायद स्क्रिप्ट भी रेडी हो जाएगा दगड़ी सॉल 3. मराठी को सॉन्ग्स वो भी प्रोड्यूस करने के लिए हम सोच रहे हैं. तो काफ़ी सारा मराठी प्रोजेक्ट आपको आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. और एक पॉलिटिकल मूवी भी मराठी का शुरू हो रहा है, वो भी. आप बहुत यंग टैलेंट्स को भी प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आपकी बाजू में दो महिला है, सुंदर महिला है, क्या है उनका? पुरानी आर्टिस्ट अंबिका शुक्ला, फॉर हर we have some plans for us, some songs and some we'll find it out, we'll work it out. Secret. Abhishek sir, आपने वो घोषणा की थी भोजपुरी फिल्म को लेके भी, की थी पवन जी को, केसाई जी को लेके भी बनाने वाली बात होती है, कुछ स्टेटस आगे इसका? ये ऑलरेडी होल्ड है. अभी हमारा मेन बिजनेस आईटी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं हम. तो अभी इस साल हम थोड़ा सा बिजी है, आफ्टर रेनिंग अगस्त सेप्टेम्बर हम वर्कआउट करेंगे उसके बारे में. I actually feel happy on this because you know, the this is what you work for entire year, entire life. So when you get felicitated for it, it is a happy moment actually. मैन ऑफ द वर्ल्ड, अभी आगे और क्या करना चाह रहे हो? जैसे कि कोई भी अवार्ड होता है वो प्रोत्साहित करता है हमेशा आगे अच्छा काम करने के लिए. व्हाट आर द थिंग्स दैट गोइंग ऑन एक्चुअली आगे के लिए? जी, मैं तो ये पहले से कहता था कि अवार्ड्स एक आपको एक नया मोटिवेशन देते हैं कि आगे और काम करने के लिए. तो मैन ऑफ द वर्ल्ड एक इंटरनेशनल पेजेंट है और पेजेंट की दुनिया में और आगे बढ़ना बेशक चाहेंगे. अखिलेश सिंह के लिए क्या कहोगे? अखिलेश सिंह के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छा आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे ही इवेंट आप और करते रहे और हमें बार बार बुलाते रहे. थैंक यू सो मच. क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अखिलेश जी एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने इस लायक समझा कि मुझे अवार्ड दिया जाए. एक आर्टिस्ट जो होता है, चाहे कोई भी हो, इन्फ्लुएंसर हो, एक्टर हो, किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, उसे बस इसी चीज़ की भूख होती है कि उसकी मेहनत का, उसकी कला को जो है उसको पहचान दी जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए और वो नोटिस किया जाए कि वो इंसान कितनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से अपना काम कर रहा है. ये हर एक्टर का ड्रीम होता है इस ट्रॉफी को अपने हाथ में पकड़ना, और आज मैंने बतौर एक्टर ये सपना पूरा किया है. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा. एंड अगर माता रानी का आशीर्वाद रहा तो और बहुत सारी ट्रॉफीज ऐसी आएंगी, एंड आई होप ये आती है. थैंक यू सो मच. मुझे एक्चुअली पहले आना था क्योंकि मैं अवार्ड के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं मतलब जल्दी जाऊंगी, देखूंगी क्या होता है, कैसा होता है. तो एक्चुअली गाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरा फर्स्ट अवार्ड है, तो इसलिए मैं सॉन्ग बहुत ज़्यादा करना चाहूँगी. एक्चुअली मेरे हस्बैंड को अवार्ड दिया गया है
बट मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है, मतलब ट्राई किया है, बट यस आई एम प्राउड ऑफ यू। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस कैटेगरी मिला है आपको ये? एक्चुअली प्रोड्यूसर के तौर पे मिला है, हमने एक अच्छी कोशिश की है, कोशिश आप सभी के प्यार से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और अच्छा लगा अवार्ड पाने का। बड़ा अवार्ड है, छोटा मोटा है नहीं। इतना कुछ अपने बारे में बताएंगे सर? क्या बोले सर? कुछ अपने बारे में बताइए। एक्चुअली आई एम ए बिजनेसमैन पर्सन, छोटे फैमिली से था, बट अपने मेहनत से और अपने ख्वाब पूरे करने के चक्कर में मैं आगे बढ़ते गया और हर चीज़ों में सक्सेस पाते गया और उसी का नतीजा मैं आप सभी के सामने आज बात कर रहा हूँ। माई मॉम एंड माई वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ। थैंक यू। मैं डॉक्टर अभिजीत मात्रे, बट अवार्ड में मैं डॉक्टर नहीं लगा था बिकॉज मैं मॉडलिंग बहुत सालों से कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैंने पेजेंट जीते हुए, मैंने ऑलमोस्ट लगभग इंडिया में काफ़ी सारे डिजाइनर्स के साथ काम किया हुआ है, बट कैसा है कि लॉकडाउन के बाद मुझे दादा साहेब फाल्के बहुत ही बड़ा नाम है, ये बड़ा अवार्ड है, तो रियली आई एम वेरी फीलिंग प्राउड बिकॉज मैंने एज अ डॉक्टर मुझे काफ़ी सारे नेशनल ग्लोबल अवार्ड्स मिले हुए, पर दादा साहेब फाल्के मिलना मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं विद्या सूर्यवंशी, मुझे आज आइकॉनिक मॉडल एंड एक्टर का अवार्ड मिला है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। दादा साहेब फाल्के जिनका नाम पूरी दुनिया में है और अपनी फिल्म इंडस्ट्री को 100 ईयर्स पूरा हुआ है और वो दौरान मुझे ये अवार्ड मिला है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। ये मेरा 6th अवार्ड है, पहले भी मुझे दुबई में लाइफस्टाइल आइकॉनिक अवार्ड मिला था दादा साहेब फाल्के का ही, और ये अभी आज मुंबई में मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं और मॉडलिंग करना चाहती हूँ और फिल्म लाइन में काम करना चाहती हूँ, मीडिया में काम करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये अवार्ड मुझे बहुत ही प्रेरणा देगा। थैंक यू सो मच अखिलेश जी कि आज हमें बुला के इतना हमारा सम्मान किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड मॉडल, मुझे आज दादा साहेब फाल्के डायनेमिक फीमेल मॉडल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है एंड बहुत बहुत खुशी हो रही है कि जो इंडियन टेलीविज़न का सबसे बड़ा अवार्ड है वो आज मुझे मिला है। मैं टीवी सीरियल्स में कुछ हिंदी वेब सीरीज़ में काम कर चुकी हूँ, अब कर रही हूँ, तो ये जो अवार्ड मिला है ये निश्चित प्रेरणादायी है कि आगे का भी काम हमारा आगे का भी काम बहुत अच्छा हो, इसके लिए ये प्रेरणा देता है। एंड दादा साहेब फाल्के नासिक से बिलोंग करते हैं एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम नासिक, तो ये अवार्ड मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिन्होंने भारत में सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट किए, वो खुद ही एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व है, पर्सनालिटी है, और वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, तो इस अवार्ड के द्वारा हमें काम करने की और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। एंड थैंक यू सो मच अखिलेश यादव जी जिन्होंने मुझे मतलब ये अवार्ड से सम्मानित किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू होल टीम, थैंक यू सो मच। टेलीविजन अवार्ड मुझे बेस्ट नेगेटिव रूल्स के लिए मिला है, हालांकि हीरो बनने आए थे इस शहर में और बन गए हैं विलेन, बट अच्छा लग रहा है कि नेगेटिव रोल में मुझे अवार्ड दिया गया है एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी बिकॉज मेरा बिलीव है कि जिस वक्त जिस मोमेंट में हम जी रहे होते हैं उसको फुल जीना चाहिए, और ये जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक अवार्ड मिल रहा है तो बूस्टअप मिल रहा है मुझे एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि मुझे नेगेटिव होने के लिए दादा साहेब फाल्के नाम जुड़ जाता तो उसी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, कितना प्रेरित करेगा आपको अच्छा काम करने के लिए और आगे क्या हो रहा है? देखिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये रहती है, लोगों का मोहब्बत, लोगों का प्यार। अवार्ड्स के लिए हम काम ज़रूर करते हैं लेकिन सच कहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ काम करता हूँ लोगों के तक पहुँचने के लिए, और ये एक ज़रिया है, और ऑब्वियसली दादा साहब फाल्के का अवार्ड है तो बड़ी चीज़ है हमारे लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगेन हम टेलिंग यू दिस कि आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच, बिग हग, थैंक यू।
कर रहे हो, किस कैटेगरी में किसी आपको मिला है थोड़ा बताइए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव सोनी एंड आई एम फ्रॉम गुजरात। ये अवार्ड मुझे मिला है द बेस्ट मैथोलॉजी डायरेक्टर ऑफ द ईयर। आई वुड लाइक टू थैंक द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इंडियन टेलीविजन फिल्म की जितने भी ऑर्गेनाइजर्स है, अखिलेश सिंह है जो ये प्रोत्साहन मिला है। आई एम जस्ट 23 एंड आई एम सो प्राउड कि मुझे इतनी कम उम्र में ये अवार्ड मिला है। आई एम सो थैंकफुल ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ड्रीम था कि कभी ना कभी मेरे जो काम कर रहा हूँ उसके लिए प्रोत्साहन मिले, तो उसके लिए जो अखिलेश सिंह जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत थैंक यू। या आई एम सो प्राउड ऑफ इट। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज धरुक तुषार, आई एम अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी हाथ में ये। थैंक यू सो मच। कितना काम अच्छा करने के लिए जिम्मेदारी भी बन जाती है, प्रेरित करेगा, क्या लगता है जो और आगे कितना अच्छा काम कर रहा है, अभी तो बहुत काम कर रहा है, आगे क्या प्लानिंग है बताओगे? आगे सब लोग की फोटोशूट की प्लानिंग है, अभी तो मैंने सब लोगों की फोटोग्राफी करी हुई है। थैंक यू। प्रेजेंटर एंड डायरेक्टर, इट्स अ प्रिविलेज एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर ऑन दिस प्रोग्राम दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड। It's a great program as we have been looking after or watching the television programs, Indian television programs. We are too much happy to be here today, so that on coming days Nepal and India can even tie up the knot for the upcoming programs or many more, also in cinema sector or in telefilm industry. Thank you. इस कैटेगरी कितने सालों से आप लोग इस इंडस्ट्री में, लेकिन और आपका तो बचपन सा है, क्या कहना चाहोगे ये ट्रॉफी को होल्ड करते हुए, ये आपको आज मिले? आपको तो पता है अपन सब ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से अपन काम कर रहे हैं, और ये अवार्ड वगैरह मिलता है तो अपना हौसला बढ़ जाता है, काम करने की ताकत बढ़ जाती है, और ऐसे ही इंस्पिरेशन नए लोगों को भी मिलता है अपनी वजह से। तो जैसे हमने काम नहीं किया है, सबने मिलजुल के, वैसे आगे भी काम चलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो ये नाम नाना साहेब फाल्के, जो फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, आप भी बहुत सालों से, ये कितना प्रेस्टीजियस है और कितना फीलिंग प्राउड ऑफ इट? फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो ये तो बहुत प्राउड वाली बात है। दादा साहेब फाल्के के नाम से जो अवार्ड है वो किसी को भी मिलने की एक ख्वाहिश रहती है, और वो हमें मिला है तो हमें बहुत खुशी हुई है। ये अवार्ड सब फोटोग्राफर के लिए जाता है और सब अपने भाई लोग के लिए जाता है, अपने लोग इतने साल से मिलजुल के काम कर रहे हैं। अखिलेश ने ये मुझे जब बोला कि भाई पापा आपको अवार्ड दे रहे, तो बोला भाई बाकी भी बहुत जन है, तो बोला नहीं बाकी सब हो गए, आपका नंबर है अभी, तो बोला थैंक यू वेरी मच। मैंने उनको दिल से शुक्रिया अदा किया और अवार्ड लेने आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम नेपाल, सो आई वॉन द बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड फ्रॉम दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सो आई वुड लाइक टू थैंक दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर दिस, फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अवार्ड ऑफ सोशल वर्कर इन द फील्ड ऑफ ब्लड डोनेशन। थैंक यू। Big congratulations to you for this Dada Saheb Award. Thank you so much. What category you got this award, and how blessed and privileged you feel holding this award? I always feel blessed to be an actor. Yeah, I always wanted to be an actor. From model turning to an actor is a very big thing. This category was for a Maitho actor, and it was for my favorite show Parshuram, which I just finished shooting in February, and this is my third award for Parshuram. So I think I've done something really good in the character. Or Har Har Mahadev. महादेव के कारण मिला ये, क्योंकि परशुराम महादेव के सबसे बड़े भक्त थे, तो इसलिए ये अवार्ड गोज टू हिम। डेडिकेट किसको करो? आपने कहा तो है महादेव, ये अवार्ड महादेव के लिए, क्योंकि वो जो द कैरेक्टर मेरे को, यानी सच में बोलूँगा तो महादेव ने बहुत हेल्प करी इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि उनको स्टडी करने में परशुराम के सारे कैरेक्टर का जो ब्रीफ था वो महादेव से ही निकल के आता है, तो इसलिए ये अवार्ड महादेव के लिए, मेरी पूरी परशुराम की टीम के लिए, कमल मोंगिया सर, विजय सर माई प्रोड्यूसर, अतरंगी चैनल ज्योति मैम, द होल टीम, अनमीत सर माई डायरेक्टर, एवरीबडी डिजर्व दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक्स।
मैं अनीता ठक्कर हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग इन एथनिक वेयर मेरा स्टूडियो है, मैं सबको ड्रेस देती हूँ और मेरा इतने सालों का 28 सालों की मेरी मेहनत को आज नवाजा गया है। थैंक यू एंड ग्रेटफुल फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड, थैंक यू वेरी मच। और इससे इंस्पिरेशन होके मैं और आगे अच्छा काम करना चाहूँगी। थैंक यू। नाम बताइए और किस कैटेगरी में आपको ये अवार्ड मिला है, हाउ हैप्पी आर यू फीलिंग होल्डिंग द अवार्ड? थैंक यू। मेरा नाम सुचित्रा कौल है। मैं सबसे पहले तो फिल्म मौर्या को और मिस्टर अखिलेश जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस अवार्ड के काबिल समझा। और मैंने पहले भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं एज ए डांसर, एज ए मॉडल, एज ए एक्टर, एज ए जजेस, पर मेरे सबसे बड़ा अवार्ड मेरा मेरी लाइफ का ये है। और मेरे जो बहुत खुशी हो रही है कि मतलब आज मुझे ये अवार्ड मिला। थैंक यू। ओके। हेलो, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम नेपाली फिल्म इंडस्ट्री मॉडल एक्टर सीन। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, पहले साल भी मेरे को दादा फाल्के अवार्ड दिया था, इस साल भी मैंने एक ऐसा काम किया है नेपाल र भारत का कनेक्ट कराया बॉलीवुड और कॉलीवुड का, एकदम मन से शुक्रिया अदा देना चाहती हूँ और जर्नलिस्ट का भी। आई एम हैप्पी, बेस्ट मॉडल एंड एक्ट्रेस। थैंक यू। Thank you so much. First of all, I'm Sushila Thapa from Kathmandu, Nepal. I'm a beautician. I want to say thank you so much, Dada Sahib Phalke Indian Television Award 2023 and entire team. I want to say thank you so much. I love India. Thank you. Thank you for this award. Thank you. हार्दिक अभिनंदन आप सबका, घनी खम्मा, क्योंकि मैं हूँ जयपुर राजस्थान से और स्पेशली आई हूँ आज इस अवार्ड को अचीव करने। अवार्ड होता है, स्कूल में हमें ट्रॉफीज़ मिलती हैं और जब हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो ये ट्रॉफीज़ हमें मिलती है जो हमें मोटिवेट करती है, यस हमें और कुछ करना है, हमें और आगे बढ़ना है। आई एम ए थिएटर आर्टिस्ट, मैंने थिएटर में PhD किया फ्रॉम द बिजनेस क्लास फैमिली, इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी फ्रॉम द जयपुर राजस्थान, बट नाउ आई एम ए स्क्रिप्ट राइटर। व्हाट इज़ स्क्रिप्ट राइटिंग? हम जो सोचते हैं उसको लिखना एंड फिर उसको एक्ट करना, जिससे हम अपनी बॉडी को, हमारे माइंड को रिलीज करते हैं और सोशल मैसेज भी करते हैं। एंड द बेस्ट मैसेज फॉर एवरीवन, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग एंड देन यू विल सक्सेस इन द लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना परिचय दीजिए और किस कैटेगरी में दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड? नहीं नहीं, मैं अवार्ड के लिए नहीं, मैं कैसे रहा इस फंक्शन में अटेंड करना और आपके हाथों लेकिन बहुत से लोगों को अवार्ड दिया गया था यहाँ पर आकर, यू नो हाउ हैप्पी आर यू फीलिंग? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा और दिल की गहराइयों से जिनको जिनको अवार्ड मिला है बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि सब ने अपनी लाइन में कुछ बेस्ट किया है। और बहुत सारा प्यार अभिषेक जी, अखिलेश जी को कि जिन्होंने मुझे बुलाया, और आप सबका बहुत धन्यवाद कि जो आप सब यहाँ पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दादा साहब फाल्के अवार्ड। इंडियन टेलीविज़न अवार्ड जो है वो बहुत एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो उसको मिलना ही अपने आप में एक बहुत ही ऐसा आपको देता है कि जैसे आप कुछ एक सही मुकाम पे जा रहे हैं, सक्सेस के लाइक लेडर्स पे जा रहे हैं, और वो अवार्ड मिलना बहुत खुशी की बात है, और खासकर उस शो के लिए मिलना जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, कहानी आना चाहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली जब हम काम कर रहे होते हैं तब ऑब्वियसली जो इनवाइट्स आते हैं अवार्ड्स के, आई ट्राई टू गो, बट मैं एक्चुअली इंट्रोवर्ट नेचर का काइंड ऑफ गाय हूँ मैं, तो मैं थोड़ा काइंड ऑफ अवॉइड करता था मैं पहले, बट आई एम ट्राइंग कि मैं अब ऑल आउट जाऊँ और मैं पूरा मीडिया के सामने जितना पॉसिबल हो सके, जितना ज़्यादा मैं दिख सकूँ उतना ज़्यादा मैं दिखने की कोशिश करूँगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो मैंने एक माइथोलॉजिकल शो किया है जो कि बहुत ही जल्दी एक नॉन GEC चैनल पर आएगा, उसका नाम है निम्बार्काचार्य, विच आई डिड एज अ लीड, एंड आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोज राइट नाउ जो कि आप बहुत जल्दी आप देखेंगे और होपफुली आप उसको प्यार भी देंगे। फैंस के लिए यही कहूँगा कि मैंने आज तक आप लोगों ने मेरे जितने भी किरदारों को इतना सारा प्यार दिया, बस आगे भी आने वाले किरदारों को उतना ही आप प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड आई ट्राई टू एंटरटेन यू एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। सो
सोशल एक्टिविस्ट हूँ. मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मेरी, प्लस मेरा एजुकेशन में भी काम रहता है एंड सोशल एज अ सोशल वर्क भी मैं बहुत सारा काम करती हूँ. तो आज ही मुझे ये मेरे प्रोफाइल पे और मेरे काम पे जो मुझे अवार्ड मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है. दादा साहब फाल्के अवार्ड टेलीविजन, इंडियन टेलीविजन अवार्ड है. सो इतनी खुशी हो रही है हाथ में लेके, और बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटी आए हुए हैं, उनका भी मैंने आज काम देखा. तो सबके साथ मेरा भी इधर सम्मान हुआ और मुझे भी ये अवार्ड मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं हमेशा वही चाहती हूँ कि सब, मेरा वुमन एम्पावरमेंट का ग्रुप है तो वुमन के लिए मैं ज़्यादा काम करती हूँ, वुमन्स के लिए एंड किड्स के लिए. तो मेरा वही हमेशा कहना रहता है कि सभी लेडीज़ ने आगे आना चाहिए, अपना जो भी टैलेंट है वो दिखाना चाहिए और आगे आके ऐसे ही इस मुकाम में पहुँचना चाहिए. सो थैंक यू सो मच, मुझे ये आज अवार्ड मिला, आई एम वेरी हैप्पी. एंड डेफिनेटली मेरे जो भी है शुभचिंतक और जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए ये मैं प्रेरणा दे रही हूँ, प्रेरित कर रही हूँ. तो सभी के आशीर्वाद से और सभी के वेल विशिंग और सभी के ब्लेसिंग के हिसाब से मुझे ये मिला है. सो थैंक यू सो मच. एंड ये सब जो अभी मैं मीडिया पे अभी ये कर रही हूँ, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है. सो प्लीज़ मेरा जो भी है इंस्टा और बाकी में जो मेरा काम है वो आपको दिखाई देगा. सो स्टे ट्यून एंड मेरे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच. द फाउंडर ऑफ करुणा गर फाउंडेशन, आई थैंक दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर नॉट ओनली रिकॉग्नाइजिंग द एक्टर्स एक्ट्रेसेस बट ऑल्सो सोशल वर्कर्स लाइक मी. थैंक यू एंड बिग गॉड ब्लेस. थैंक यू. बहुत बहुत आपको बधाई हो इस अवार्ड के लिए दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड. हाउ हैप्पी आर यू फीलिंग होल्डिंग दिस अवार्ड एंड योर इंट्रोडक्शन एंड इस कैटेगरी में आपको ये अवार्ड मिला है जी? I am Sunil Sethi. We are from Art Meter Advertising. We are specialized into outdoor advertising in Mumbai and Maharashtra. This is a special award to us because we have now come to the top 5 of the Mumbai advertising agencies. I would dedicate surely this to my team and to my son who's here, who's at the age of 18 has bought Bombay Times fashion show also. So that is something which I have to dedicate this award. It goes to my team and my son. मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत हो गया है, प्लेटफॉर्म बहुत, प्रमोशन के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए हैं. हाउ यू कीप योरसेल्फ आल्सो अपडेटेड विद दोस थिंग्स? It's good to have a competition. The more and more platforms you have, the more and more it's more competitive, I feel so. And we have, when you are more and more competitive and to be chosen among them, it's an achievement we feel. And you should have a healthy competition among them. What have you seen about affiliation with organizers? Well, I've met him for the second time. I think it's a good show, good organized show. It's a show. And we appreciate it. Wish you all the very good. Thank you. I'm truly appreciating the people, and we always appreciate the people who are working for humanity. And this is an organization which is very known to me and very close to my heart. So wishing you all the very best to the entire team. Keep working positive thing, keep working appreciating the people, and definitely you're going to be one of the most wonderful award in and association to the entire world, I should say. And I'm just giving my all the very best to the group. Thank you so much. Award, I am the youngest achiever of India. I'm just 17. I'm getting this award and I'm really very grateful for what God has given me in life. And I am also like to thank one person in my life who has made me to this level, my father, who always supports me everything. This award means to him. Thank you. Best debut female for 36 Farmhouse, produced by Mr. Subhash Bhai and Mukhtar. दिया है सबको, जो भी अपने अपने फील्ड में है उनको ये अवार्ड दे के और जो फेलिसिटेट किया जाता है, रियली थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू सो मच. हाथों में है किस बात के लिए जी? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अब इस बार डिफरेंस क्या है, नीचे का बेस सर्कल हो गया है, पहले दो स्क्वायर में था, अभी कुछ अलग मिला है. सो बहुत अच्छा लगता है. 2021 में अखिलेश जी ने जब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल किया था कि आपको मैं दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड दे रहा हूँ, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था. बट ये सभी जब ये हाथ में आया, बहुत अच्छे से लग रहा है किसी मोस्ट पॉपुलर नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट जूरी, तो बहुत अच्छा लगता है इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट एज ए जज. सो या also in the selection committee of many international pageants globally. तो अभी रिसेंटली मैंने भी दो साल में पीछे
पिछले दो साल में कम से कम मोर देन 150 नेशनल पैजेंट जज किए हैं एंड मोर देन 30 इंटरनेशनल पैजेंट जज किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. अखिलेश जी एवरी ईयर हमें बुलाते हैं एंड यस बहुत अच्छा है, होमली फीलिंग है. तो थैंक्स अखिलेश जी, थैंक यू सो मच. शर्मा हूँ और मैं मॉडल चेन्नई से आई हूँ. मैं अभी मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है और मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी और जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया चुना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं यहाँ आती रहूँ और ये अवार्ड जीती रहूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अखिलेश जी का एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम अंजलि जंगम एंड आई एम इवेंट ऑर्गेनाइजर. मैं इवेंट करती हूँ अलग अलग जगह पे, मतलब पूना मुंबई में. सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज ये इवेंट किया एज अ बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर एंड बाकी सबको भी मिला तो सभी बाकी सबको कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. आई एम सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट. मैं इस 30 ईयर्स से काम कर रही हूँ और मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ का वर्क किया है और थैंक यू अखिलेश सर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस शो के लिए और दिस अवार्ड. मैं पहले भी इस शो में आ चुकी हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं सेकेंड टाइम भी अटेंड कर रही हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन सबको और थैंक यू सर. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट. खुशी हो रही है दादा साहब फाल्के अवार्ड लेकर के. आज तक जितना स्ट्रगल किया उसका आज फल मिल गया क्योंकि मेरा बेबी 1.5 मंथ का था. उसको लेके बहुत सारे मेकअप कंपटीशन में उसको पेट को बांध के मेकअप कंपटीशन में वर्क करती थी और जब मेरा बेबी 2 मंथ का था जब मैं मिसेस महाराष्ट्र बनी, मेरा बेबी 3 मंथ का था मैं मिसेस इंडिया बनी और बेबी 4 मंथ का था जब मैं इंटरनेशनल बनी प्रेजेंट शो और मिसेस लातू ऑफ द ईयर मिला है. बहुत सारे 7 इवेंट्स में मैं जीत चुकी हूँ और मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं. 40 अवार्ड मिले हैं बेस्ट मेकअप जूरी के लिए. मैं जज भी करती हूँ शोज और बहुत खुशी हो रही है सब अवार्ड मिले लेकिन ये मिला बहुत अच्छा लग रहा है. उसका जो सफल मुझे मेरा जो सपना था आज वो पूरा हो गया. आगे भी और करती रहूँगी. ऑल द बेस्ट बेबी लक. जो हम नेपाल से आए काफ़ी दिन आए सारे जब भी देखो नेपाल से बुलाते हैं सर. गत साल भी 5 लोग आए थे, 7 लोग आए तो मैं नेपाल से हूँ नीतु कोइराला एक्ट्रेस मॉडल. वहाँ से मेरे को पहले से मेरे को बेस्ट एक्ट्रेस से मिला है दादा फाल्के अवार्ड. अभी मेरे को मोस्ट पॉपुलर एक साल का मिला है तो थैंक यू सो मच और मुंबई कंग्रेचुलेसन. और क्या बोलूँ मेरे को शब्द नहीं, सर का क्या शब्द दी. थैंक यू सो मच. इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल 2023 रह चुकी हूँ. मुझे नारी शक्ति सम्मान अवार्ड मिला है और जिस अवार्ड के लिए मतलब दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिस अवार्ड के लिए लोग अपना तमाम जिंदगी वेट करते हैं वो अवार्ड मुझे मिला है. वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक यू टू दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2023. थैंक यू. अखिलेश कमेटी है जो अखिलेश सिंह जी है उनके लिए तो बोलना ही है क्योंकि उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दिए है जो प्लेटफॉर्म दिए है उसके वजह से ही हम यहाँ पे हैं और ये अवार्ड होल्ड करके रखे हैं. तो वेरी मच थैंक यू एंड ग्रेटफुल टू मिस्टर अखिलेश सिंह जी. माय नेम इज विराज दौलखिया कैटेगरी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत गुजरात इंडिया. और बहुत सारे 25+ का एक्सपीरियंस है इस फिल्म में. बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं पर आज ये जो मेरे हाथ में अवार्ड है उसके लिए मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 जो है मेरे लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है. जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी अखिलेश जी ने यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म के लिए तो थैंक यू वेरी मच. और मैंने बहुत ही मेहनत की. आप लोग भी मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा और ये मेरे मेहनत का फल है. थैंक यू. तो मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि इस काबिल समझा और मुझे ये अवार्ड दिया. थैंक यू सो मच अखिलेश जी. हमारे बीच में आए हैं
सुहेल भाई इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा नीचे रखे माइक हां दिस करेक्ट बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पार्टी अवार्ड मुझे आज उन्होंने दिया और ये एक जो वुमेन पावर होती है उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती है। दादा साहब फाल्के अवार्ड छोटा मोटा नहीं है, एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ होता है और हम सम्मान की होते हैं। तो यहाँ तक आगे अखिलेश जी ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, थैंक यू सो मच मुंबई, थैंक यू। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए नरेश, पूजन, निहार, थैंक यू सो मच गाइस मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इन्वाइट करने के लिए, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आई एम गेटिंग अवार्ड फॉर मोस्ट पॉपुलर सिंगर एंड लिरिसिस्ट फॉर द ईयर, सो आई एम सो ग्लैड टू अखिलेश जी एंड होल टीम ऑफ दादा साहब फाल्के फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड विन दिस, सो थैंक यू सो मच। तो इस मौके पे कुछ गुनगुना लीजिए आप, बिकॉज़ सर यू सिंगल है, यू नो। हाँ, श्योर। सो आई न्यू सॉन्ग इज बीन रिलीज्ड ऑन रेड एफएम, आई वुड लाइक टू सिंग दैट सॉन्ग। तेरे बिना मेरा कोई नहीं है जाने मन, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही तो हर जतन, तू मेरी जान है, तू ही तो शान है, तुझसे ही फलसफा, मैं तुझ पे हूँ फिदा, तू ही तो जिंदगी, तू ही तो बंदगी, जाने मन, ओ तेरे बिना मेरा कोई नहीं है जाने मन। थैंक यू सो मच। मैंने 2021 में मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड लिया हुआ है विद बॉलीवुड एक्ट्रेस और वशी रोटिला, एंड दिस वन इज स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सो मच दादा साहेब एंड अंकेश्वर, एंड थैंक यू सो मच गिव दिस अवार्ड, थैंक यू एंड ऑलवेज टू ऑल, थैंक यू। इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2023 अपने आप में एक बहुत ही अहम नाम रखता है और अखिलेश सिंह जी का मैं थैंक यू करना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मानो जैसे सारे सितारों को वो यहाँ पर लेकर आ गए। सो इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इस इवेंट को होस्ट करके। थैंक यू सो मच।